मैंने पूरी दुनिया को बता दिया था कि मैं दिलीप साहब के साथ काम कर रहा हूँ, राजकुमार साहब के साथ काम कर रहा हूँ, सुभाष गई जैसा इतना बड़ा डायरेक्टर, इतना हेड डायरेक्टर, उनके साथ काम कर रहा हूँ। शाम को गया, उन्होंने बताया कि ऐसा है कि लंबी हो गई थी बहुत फिल्म, इस वजह से आपका पूरा कैरेक्टर निकाल दिया गया है। तो तकरीबन 3 महीने मुझे लगे इस शौक से निकलने में। कि आपके हिसाब से एक विलन की क्या 3 क्वालिटीज होने चाहिए? मतलब आपका डर होना चाहिए पब्लिक में भी और वो सामने वाले हीरो के ऊपर, हीरो हीरोइन के ऊपर। शेखर कपूर ने मेरी वाइफ से पूछा कैसी लगी फिल्म, इनका काम कैसा लगा। तो उन्होंने कहा कि मेरा जी किया था कि मैं इनको गोली मार दूँ। फूलन देवी ग्वालियर जेल में थी, पास में ही डॉली अहलूवालिया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, बुरा ना लगे तो क्या आप बता सकते हैं कि आपके साथ क्या क्या हुआ था। उन्होंने फटफट करके ब्लाउज खोले तो सामने गड्ढे थे, मांस नोचा था उनके ऐसे छाती से। नमस्कार, मैं फिल्म अभिनेता गोविंद नामदेव और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पर। वैसे गोविंद जी, जब आपने अपने करियर की शुरुआत की थी, दिस इज बैक इन 1991 में आया था, 91 में शुरू हुआ था। तो मतलब सौदागर में आपका एक कैमियो था, करेक्ट? था नहीं था? वो सब गड़बड़ हो गया था, इसलिए मैं सौदागर की कभी बात नहीं करता हूँ। क्यों, क्या गड़बड़ हुई थी, बताई दीजिए। अरे वो एक बड़ी कहानी हो गई थी। अनुपम के साथ मेरे अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं, हम लोग क्लासमेट रहे NSD में। तो वो पहले आ गया, मैं बाद में आया। अच्छा। तो उन दिनों वो सौदागर कर रहा था, उसने सेट पर बुलाया, मुझे उनसे मुलाकात करवाई डायरेक्टर साहब से। और बातचीत के दौरान मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मुझे कुछ जज कर रहे हैं, शायद किसी कैरेक्टर में मुझे देख रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा, और जैसे एक्टर होता है ना, थोड़ा सा समझ जाता है, फिर थोड़ा सा प्रोफाइल्स देने लगते हैं। हाँ, कुछ उसका अच्छा साइड दिखाने लगता है बातचीत में भी और फिजिकली भी। दूसरे दिन मुझे बताया गया, अनुपम ने काफ़ी मेरी रिकमेंडेशन की, मुझे बताया गया कि बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इसके अंदर जो आपको करना है। और वो कैरेक्टर ऐसा था कि फिल्म की शुरुआत इस कैरेक्टर से होती थी, एक टेररिस्ट का कैरेक्टर था, और फिल्म का एंड इस कैरेक्टर पर था। अच्छा। वो इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था, एक टेररिस्ट था जो बच्चों को टेररिज्म सिखाता है। बाद में अनुपम का कैरेक्टर चूंकि इसमें सूत्रधार टाइप कैरेक्टर था, तो वो फिर एक कहानी सुनाता है, मुझे काफ़ी समझाता है कि क्यों कर रहा है ये सब, ये बहुत गलत है, टेररिज्म का नतीजा क्या होता है मालूम है तुमको, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। फिर वो कहानी चलती है। अच्छा। हाँ, राजकुमार साहब की और दिलीप कुमार साहब की। ओके ओके। जिसमें वो सब वो वायलेंस इतनी ज़्यादा होती है कि दोनों फैमिली बर्बाद होती है। फाइनली ये कैरेक्टर जाता है एक पास में ही नदी के ब्रिज के ऊपर, वहाँ बंदूक फेंकता है और बंदूक पर फ्रीज होता है। यहाँ फिल्म एंड थी। इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था। हाँ। तो शूटिंग की, बहुत अच्छी शूटिंग हुई, तकरीबन 5-6 दिन हम लोगों ने शूटिंग की। और उसके बाद जब फिल्म कंप्लीट हुई तो बताया गया कि 4.5 घंटे की फिल्म शूट हो गई। अब उसको एडिट करते करते अनुपम मुझे बताते रहते थे, एडिट करते करते 4 घंटे की हुई, फिर 4.25 घंटे की हुई। उसके बाद उनको कुछ मिल नहीं रहा था कि क्या करें क्या करें। किसी ने सजेस्ट कर दिया कि अगर इस कैरेक्टर को ही निकाल लें तो तकरीबन 15 मिनट मिल जाते हैं। और इस तरह से पूरा कैरेक्टर ही निकाल दिया गया। और मैंने पूरी दुनिया को बता दिया था कि मैं दिलीप साहब के काम, उसके साथ काम कर रहा हूँ, मैं राजकुमार साहब के साथ काम कर रहा हूँ, और सुभाष गई जैसा इतना बड़ा डायरेक्टर, इतना हेड डायरेक्टर, उनके साथ काम कर रहा हूँ। इतना जब मुझे ये बार बार, मैं उनसे पूछताछ कर रहा था कि उनके ऑफिस जाता था कि अभी डबिंग तो नहीं करवा रहे, डबिंग नहीं करवा रहे। हाँ हाँ, करेंगे करेंगे करेंगे। डबिंग ख़त्म हो गई, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन ख़त्म हो गया,
अशोक जी से, उनके जो ब्रदर हैं जो प्रोडक्शन देखते हैं, मैं उनके पास गया, सर क्या बात है, मैंने डबिंग नहीं हुई है मेरी, और जा एक काम करना तुम साथ शाम को आना। शाम को गया, उन्होंने बताया कि ऐसा है कि लंबी हो गई थी बहुत फिल्म, इस वजह से आपका पूरा कैरेक्टर निकाल दिया गया है। ये जो शॉकिंग न्यूज़ मैंने सुनी, मेरे शुरुआती डेज थे, और थिएटर में मेरा काफ़ी नाम रहा, मैं NSD रेपर्टरी कंपनी में रहते हुए काफ़ी एक इंटरनेशनल लेवल का थिएटर मैंने किया, लंदन, जर्मनी, पोलैंड, उधर शोज़ किए, और एक मेन एक्टर था मैं, एक ग्रेड का आर्टिस्ट था NSD के साथ। तो एक वो बड़ा सम्मान इज्जत सी छोड़ के आया था मैं, तो झटका इतनी ज़ोर से लगा कि लोग क्या कहेंगे अब। तो तकरीबन 3 महीने मुझे लगे इस शौक से निकलने में, 3 महीने हर समय हर जगह रोता रहता था, मतलब रुकता ही नहीं था, मतलब रोना ही नहीं रुकता था ऐसा। कभी समुंदर के सामने बिजू के वहाँ कोने में बैठा हुआ हूँ, रो रहा हूँ। Cannot imagine, सच में, we cannot imagine। आप कैसा? सो ऐसा हो गया था, अभी भी मैं सोचता हूँ तो एकदम से ऐसा सा हो जाता है कि क्या हो गया था। वो बच्चे हमारे 2 बेटियों को साथ में लेके आए थे मैं दिल्ली। अच्छा। से तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आप आए थे यहाँ पर? उनको लेके आया था साथ में, सब घर बार बेच दिया था, घर का सारा सामान बेच बाच के आया था कि मुझे वापस नहीं आना, एक थोड़ा डिटर्मिनेशन के साथ आया था। एंड पहली फिल्म में, और पहली फिल्म में ऐसा हो गया, मेरी वाइफ बहुत कोशिश करे किसी तरह से मैं नॉर्मल हो जाऊँ, लेकिन होता ही हो ही नहीं पाता था। मेरे वाइफ का बहुत सपोर्ट रहा, सुधा नाम है उनका, हर कदम पर उन्होंने इतना सपोर्ट किया है कि मैं बता नहीं सकता। So, 3 महीने के बाद हाउ डिड यू मेक अप योर माइंड कि नहीं आगे बढ़ते हैं, लेट्स फाइट? वो फिर मैंने कुछ वर्कशॉप वगैरह की थिएटर की, मैंने कहा ऐसे नहीं होगा। अच्छा। मुझे कहीं डाइवर्ट करना ही पड़ेगा, उन्होंने कहा कि आप डाइवर्ट कर लो, अभी इसके बारे में ज़्यादा सोचो मत, फिल्मी माहौल से निकल जाओ अभी। उसी दौरान फिर मुझे वो केतन मेहता की सरदार पटेल मिली, जो मेरी पहली फिल्म थी जिसमें काफ़ी पैसा मिल गया था, तो वहाँ थोड़ा सा मैं उससे निकल पाया। चलो एक जगह से गड़बड़ हुई तो यहाँ से थोड़ा खुशी ज़्यादा मिल गई, उन दोनों पैसों की बहुत ज़रूरत होती थी। तो क्या आपको लगता है कि ये जो लाइन है, यहाँ के जो रिजेक्शंस है और जिस तरीके से फेलियर्स देखे जाते हैं, वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, या फिर हाउ डू यू थिंक, आजकल भी इतने सारे टैलेंटेड एक्टर्स हैं जो कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, और कोई दिखता नहीं है, एक प्रॉपर जरिया नहीं दिखता है, और फेलियर ज़्यादा दिखते हैं। व्हाट इज़ योर एडवाइस टू देम? क्या आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, हर एक्टर जो एक्टिंग के करियर बनाना चाहता है जी, उसको सबसे पहले अपने आप को एवेल्युएट कर लेना चाहिए ज़रूर, कि आज के माहौल में जो एक टॉप क्लास के एक्टर्स काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से पॉपुलर हैं, आप कितना नज़दीक हैं उसके, आपका जो टैलेंट है, आपका जो स्किल है, कितना नज़दीक है उनके, आप कहाँ पर हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं, ये ज़रूर आप अपने आप को एवेल्युएट कर लें। उसके बाद अगर आपको लगे कि नहीं बहुत कमी है, तो आप पहले उधर तक जाने की कोशिश करें, अपने एक्टर को, अपने अंदर के एक्टर को आप मैच्योर करें, उनको कोई भी काम मिले तो आपको उसको, आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे इस काम को ऐसे लेके जाना है, ऐसे लेके जाना है कि मतलब इम्पैक्टफुली। एक्टिंग तो सभी कर लेते हैं, जब तक आपके स्किल में कुछ स्पार्क नहीं होगा जी, आप भीड़ में ही रहेंगे। सो वो एवेल्युएट करने ज़रूरी है, और अपने आप को टॉप रैंक के एक्टर से कंपेयर करना ज़रूरी है, तभी वो बारीकियाँ आएंगी जो सामने वाले एक्टर में हैं, जिसकी वजह से वो पॉपुलर है। और जब आपको लगे कि हाँ ये बातें आने लगी हैं, उसके बाद आपका स्ट्रगल शुरू होता है, उसके पहले नहीं। तो एट द स्टार्ट ऑफ योर करियर आपको रोल्स आने लग गए फॉर यू नो विलन, नेगेटिव रोल्स, जो भी हम इसे कह सकें, ग्रे कैरेक्टर्स, तो क्या कोई अप्रिहेंशन थे कि ऐसे स्टार्ट नहीं करना है, कि
ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज यू आर एन एनर्जी पास आउट और आपके लिए हर कैरेक्टर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन यू नो व्हाट यू गेट. हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है जब वो अपना करियर बनाना चाहता है या शुरू करता है. तो मेरी सोच ये थी कि मैं पहले अपने आप को इस्टेब्लिश करूँगा और इस्टेब्लिश करने के लिए मुझे जिस तरह का मैं थिएटर करता रहा, एक फर्स्ट रैंक में सब चीज़ें करता रहा हूँ, तो मुझे फिल्मों में भी फर्स्ट रो में ही रहना है. और उसके लिए फिल्म का मेन किरदार मुझे चाहिए, तभी हो पाएगा ये. सो फिल्म के मेन किरदारों में हीरो, हीरोइन और विलन. विलन, करेक्ट. हीरो तो बन नहीं सकता था, मेरी उम्र बड़ी हुई थी, 38 था जब मैं आया. 38 37 38. वाओ, तभी आपने शुरुआत की, 37 38. yeah. क्या बात है. और हीरोइन का तो सवाल ही नहीं है. सो रहता है विलन. सो हमारे हिस्से में विलन आया जी. हमने तय किया कि विलन करेंगे पहले, जब अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगे, जैसे अमरीश पुरी साहब ने किया. सब पहले सब बड़े बड़े उस तरह के किरदार किए, उसके बाद उन्होंने पॉजिटिव किरदार किए. कुरान साहब हमारे सामने एक एग्जांपल के तौर पर हैं. तो इस तरह से मैं सोच के आया कि मुझे सिर्फ विलन के किरदार करने हैं. तो इस तरह से शोला और शबनम मुझे जब मिली तो मुझे लगा कि हाँ ये करेक्ट है. फिर उस तरह से. अच्छा, एक अच्छी बात आपको क्या लगती है ऑफ प्लेइंग नेगेटिव कैरेक्टर्स, और एक बुरी बात क्या लगी आपको? पता नहीं, मुझे तो सतही तौर पर, ऊपरी तौर पर मुझे ख़राब लगा कि ये बहुत गलत काम करते हैं, कि ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं. इसके आपने जो प्रश्न किया है, बहुत ख़राब लगता है कि एक व्यक्ति किसी को रेप कर रहा है, किसी का मर्डर कर रहा है, किसी को धोखा दे रहा है, उसका प्रॉपर्टी हड़प ले रहा है, किसी को बर्बाद कर रहा है, कितनी तकलीफें दे रहा है वो सतही तौर पर. और जो अंदरूनी तौर पर, जब मैं इस तरह के गलत काम करके घर पहुंचता था, बच्चों को ज़्यादा प्यार करता था, ज़्यादा उनके साथ बैठता था, पत्नी से ज़्यादा डिस्कशन करता था, उनको डिनर के लिए लेके जाता था, इस तरह से जो मेरी जितनी नेगेटिविटी थी मेरे अपने कैरेक्टर, अपने व्यक्तित्व के अंदर, वो सब धीरे धीरे पीछे छूटती गई, क्योंकि मैं एक नेगेटिव किरदार करता रहा. ये भी क्या सीख है, क्या बात है. तो अभी मैं ज़्यादा प्योरिटी की तरफ हूँ. फिर फैमिली का रिएक्शन कैसा होता था जब वो देखते थे आपके कैरेक्टर्स, आपकी पिक्चर? बच्चे, तीन तीन लड़कियाँ, वो जब आपको देखते थे? इनको तो मैंने एजुकेट कर लिया था. हाँ. क्योंकि मैं नाटक वगैरह भी उनके शोज वगैरह दिखाता था, रिहर्सल पर ले जाता था. लेकिन रिश्तेदारों को कन्विंस करने में बहुत समय लगा मुझे. जब इस तरह के सीन मेरे फिल्म में आई, बैंडेड क्वीन, प्रेम ग्रंथ, उसमें भी मारकाट कर रहा हूँ, उसमें भी रेप कर रहा हूँ, और विरासत, सरफरोश. तो उसके बाद जब मैं घर गया तो मेरे रिश्तेदार थोड़ा सा दूर दूर हो जाएं, जो जिनके साथ पहले बहुत अच्छे मेरे रिलेशनशिप थे, बहुत बातें करते थे, वो नज़दीक ही ना आए मेरे. मैं खुद उनके पास जाता, भैया क्या हो गया है, मैं तो वही हूँ, मैंने सिर्फ किरदार ऐसे किए हैं, लेकिन वो तो एक्टिंग है. उनको समझाने में, उनको कन्विंस करने में बहुत टाइम लगा. ये अपने आप में ही कॉम्प्लीमेंट है कि आप इतने रियल एक्टिंग कर देते कि यू कुडंट गेट यू आउट ऑफ इट. वाह वाह वाह. जैसे कि मैं एक 90s किड हूँ, तो ग्रोइंग अप मैंने ऐसी फिल्में देखी है जहाँ पर एक तरीके का विलन दिखाया जाता था, उसके कुछ क्वालिटीज़ होते थे जिसकी वजह से हमें दूर से पता चल जाता था कि ये विलन है. आप अब अगर हमें अपने हिसाब से बताना चाहे कि आपके हिसाब से एक विलन की क्या तीन क्वालिटीज़ होने चाहिए? मतलब आपका डर होना चाहिए पब्लिक में भी और वो सामने वाले हीरो के ऊपर, हीरो हीरोइन के ऊपर. वो डर क्रिएट करने के लिए आपको हर काम, हर वो उस तरह से एक्टिविटीज़ करनी है, आपका बोलना, आपका उनके साथ डील करना, उनके साथ इंटरेक्ट करना, फिजिकली, मेंटली, वर्बली. एनएसजी ने कितनी मदद की आपकी, आपके जीवन में, टू यू नो बिल्ड कैरेक्टर्स? और ये जो आप किरदार लेते थे, जैसे विरासत की हमने थोड़ी देर पहले बात की, क्या इंस्पायर करता है आपको कि आप उस किरदार में अपने आप को फ्रॉम टॉप टू टो बांध ले, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट कैरेक्टर रहा होगा? मैं जो कुछ भी सीखा हूँ एक्टिंग को लेके,
नेशनल स्कूल ड्रामा से सीखा हूँ जी। नेशनल स्कूल ड्रामा एंड नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी जो उनका प्रोफेशनल विंग है जिसमें सभी सभी ट्रेंड एक्टर्स ट्रेंड डायरेक्टर्स ये उनका ग्रुप है। अच्छा। जो भी NSD से निकलते हैं उनमें जो मेरिट बेसिस पर उनको उस ग्रुप में रखा जाता है फिर वो चाहे तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं पर्पसली इंटेंशनली मैं इस ग्रुप में आया था जस्ट टू अपनी एक्टिंग को और ज़्यादा निखार देने के लिए जी। क्योंकि मुझे मालूम था बॉम्बे में मेरा कोई गॉडफादर तो है नहीं कि कहेगा हाँ आ जाओ रोल कर लो तो मुझे इतना अपने आप को परिपक्व बना के बॉम्बे पहुँचना है कि एक काम मिले उस काम को देख के मुझे और दो काम मिले। तो ये सोच के साथ मैं बॉम्बे के बारे में सोच रहा था जी। तो इससे जुड़ी एक छोटी सी बात है कि जैसे हमारा डिप्लोमा ख़त्म होने का टाइम आया हफ्ता 10 दिन बचे थे तो हम सब लोग बैठते थे चाय वाय पीते थे अपना फ्यूचर डिस्कस करते थे अनुपम खेर सतीश कौशिक करण राजदान कविता चौधरी हम सभी एक ही ग्रुप के हैं एक ही बैच के हैं तो सब अपने अपनी प्लानिंग बताते थे कि मैं तो बस करण जैसे करण के काफ़ी यहाँ ताल्लुकात अच्छे थे डायरेक्टर से तो वो हमको बताते थे कि और वो स्मार्ट भी थे उस समय बिल्कुल हीरो मटेरियल थे तो बताते थे कि मेरी तो बात हो गई बस मैं तो बॉम्बे पहुँचते ही शूटिंग शुरू करने वाला हूँ मुझे हीरो का किरदार मिला है। और अनुपम बोलते थे कि मैं लखनऊ जाऊँगा पहले वहाँ थोड़ा सा टीचिंग करूँगा उसके बाद फिर बॉम्बे आऊँगा। सतीश बोलते थे मैं तो अभी जाने वाला हूँ मतलब इस तरह से सब अपनी अपनी प्लानिंग बता रहे थे। मैं दुविधा में पड़ा हुआ था ये सोच के कि मेरे अंदर अभी इतना वो फाइननेस नहीं आई है मेरे काम में जो इम्पैक्ट क्रिएट कर दे सामने वाले के ऊपर देखने वाले के ऊपर पब्लिक के ऊपर ख़ासतौर से फिल्म मेकिंग को लेके फिल्म को देखते हुए अपने इमेजिनेशन में मैं कभी अमिताभ बच्चन के साथ सीन कर रहा हूँ कभी राजेश खन्ना के साथ और बार बार ऐसा फीलिंग आता था नहीं अभी नहीं हो पा रहा है मतलब इमेजिनेशन में भी मैं नहीं कर पा रहा था तो अपने आप को कच्चा महसूस कर रहा था। तो फिर अपने आप को मजबूत करने के लिए अपने स्किल को और ज़्यादा धारदार बनाने के लिए मैं रेपर्टरी कंपनी ज्वाइन की। अच्छा। क्योंकि वहाँ के जो एक्टर्स थे जो सीनियर एक्टर हमारे रहे मनोहर सिंह जी सूर्यरेखा सिकरी जी उत्तरा बावकर जी वो कमाल का परफॉर्म करते थे कमाल का। तो ऐसा लगता था कि अगर मुझे एक्टिंग करनी है ना तो मुझे इस लेवल की एक्टिंग करनी चाहिए नहीं तो कोई फ़ायदा कोई मतलब ही नहीं है एक्टिंग करने का अपने आप को एक्टर कहलाना ही वो वाजिब नहीं है। तो जब मैंने उनके बारे में पता किया तो किसी को 3 साल का कोर्स करने के बाद 6 साल और हो गए हैं उस ग्रुप में मतलब 9 साल के बाद ये लेवल उनका पहुँचा है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 10 साल और करूँगा उसके बाद ही बॉम्बे का सोचूँगा। तो इस तरह से डिसाइड करके फिर मैं 11 साल और किया वहाँ पर 78 में ज्वाइन किया 89 में वहाँ से रिज़ाइन किया और 90 में बॉम्बे आया। तो इस तरह से अपने आप को निखार के मतलब मालूम था कि यहाँ बॉम्बे में कोई नहीं आपको घास डालने वाला है कोई आपको बोला कि काम नहीं देने वाला है जब तक आपके काम में स्पार्क ना हो जी। तो कुछ उस तरह की तैयारी की एक बड़ा सा एल्बम बनाया जहाँ जो 10-11 साल वहाँ थिएटर किए उसके फोटोग्राफ्स वगैरह लगाए जो काफ़ी अच्छे अच्छे क्लोजअप्स वगैरह जहाँ अच्छे अच्छे एक्सप्रेशंस दिख रहे थे क्योंकि मुझे मालूम था बॉम्बे आके सिर्फ बातों से आप कन्विंस नहीं कर सकते डायरेक्टर प्रोड्यूसर को आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने क्या काम किया है। आजकल इसी चीज़ को इंस्टाग्राम बोलते हैं जी क्योंकि सब कुछ वहीं पर चलता है आप इंस्टाग्राम पर क्या क्या कर रहे हैं उसी से लोग आपको हाई भी करते हैं। व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। गोविंद जी ये बताएं दैट जैसे मैंने आपसे पूछा कि कई कई किरदारों में आपने कुछ ऐसे अपने आप को मतलब यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू समबडी तो ये जो इंस्पिरेशंस है वो कहाँ कहाँ ढूंढते हैं आप क्योंकि अच्छे किरदार
की इंस्पिरेशन तो हमको मिल सकता है कि चलो ये ऐसा दिखता है, ये ऐसे बात करता है, लेकिन ये जो विलनेस रोल है और आपने कुछ बहुत ही इफ आई मे से सो स्केरी रोल्स किए तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? ये हमको NSD में ये सिखाया गया है, खासतौर से जो हमारे इब्राहिम अलकाजी साहब जो हमारे डायरेक्टर रहे जी, हमारे गुरु भी रहे हैं, उन्होंने सिखाया है कि एक्टिंग करनी है तो आम जिंदगी से तुमको लेनी पड़ेगी ना एक्टिंग, आप जो कुछ भी करते हैं आम जिंदगी का ही तो करते हैं, तो अगर कोई किरदार मिलता है तो आप उस तरह के किरदार को ढूंढें, सोसाइटी में कहाँ पर है, क्या है, वो कैसे रहता है, वो कैसे बात करता है, वो कैसे वॉक करता है, कैसा दिखता है, कितना पढ़ा लिखा है, उसके हिसाब से कितना रौब दाब है उसका, बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने सिखाई हैं, तो अभी जो भी किरदार मिलता है हम उसको आम जिंदगी में ढूंढते हैं। ये मेरी मतलब सिस्टम है मेरा जी, जो मैंने पहले भी थोड़ा सा बताया था जी, जी, जी। मैं हमेशा रिसर्च वर्क होता है। अब जैसे हम विरासत की बात कर रहे हैं, दो कैरेक्टर्स मैंने ऐसे ढूंढे जिनको जो पैरालिसिस का अटैक आया था, जिनको उनमें कोइंसिडेंटली एक डॉक्टर भी थे जिनको हाथ में उसका असर आया था, तो बहुत डिटेल में मुझे बता सके कि जब अटैक आता है तो पेशेंट क्या महसूस करता है, कैसे वो उससे निकलना चाहता है, और क्या क्या फिजिकल उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं, साइकोलॉजिकली कितनी कोशिशें उसके अंदर होती हैं, वो सब बताया। उसके बाद फिर जो जिनको पैरालिसिस हो जाता है, जो बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, वो अपनी इमोशंस कैसे व्यक्त करेंगे, तो कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स उस तरह से उन्होंने बताए जी। फिर वो सारी नॉलेज लेके मैंने उसके ऊपर अभ्यास किया। वाओ, क्या बात है, क्या बात है। मेरे सभी कैरेक्टर्स, जैसे अभी बैंडिट क्वीन का कैरेक्टर, वो मैंने अपने फादर से लिया क्वालिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिकैलिटी। मेरे फादर पहलवान थे, काफ़ी नामी गिरामी पहलवान थे, खूब कुश्तियाँ उन्होंने जीती थी, तो और हमारी एक दुकान थी, घर से दुकान का जो डिस्टेंस था तकरीबन 2 किलोमीटर था, तो जब वो घर से निकलते थे तो एक गीला तौलिया नहीं होता, पतले तौलिए, वो गीला करके तय करके ऐसे सिर पर डाल लेते थे, और चूंकि पहलवान थे तो उनकी चाल में भी वो था, एक होता है ना एक कॉन्फिडेंस लेवल ही कुछ अलग होता है, कुछ दबदबा कुछ अलग होता है, दबदबे के साथ चलते थे जी। वो जब मैंने शेखर कपूर को दिखाया ये लोग, तो मैं हम लोग वहाँ पर पहाड़ियों में शूटिंग कर रहे थे चंबल में, और शेखर कपूर का ये सिलसिला रहा है, सिस्टम रहा है कि वे एक्टर्स को पहले से लेके चले जाते हैं, उस समय तो था ही ऐसा, लोकेशन पर लेके चले जाते हैं, लोकेशन को फील करो तुम वहाँ कैसे चलोगे, तुम वहाँ मतलब रातों को भी एक्सरसाइज करवाई उन्होंने, डाकू लोग रात को कैसे चलते होंगे, कैसे लालटेन से रास्ता निकालते होंगे, जब उनको खाना खाना होता होगा, जब बनाते होंगे तो कैसे रहते होंगे बीहड़ में नदी के किनारे, तो वो सब चीज़ें अभ्यास की है हमने। और उसी दौरान जब मुझे अपने फादर का ध्यान आया, मैं ऐसे ही हम सोच रहे थे, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि डाकुओं से तो हम मिले नहीं हैं, हाँ आम जिंदगी में जैसा जो हमारी प्रैक्टिस है कि आम जिंदगी से निकालो, उस तरह के लोगों से तो हम मिले नहीं, तो कम से कम लुक वाइज हम कुछ ढूंढें, तो ढूंढते अचानक मेरे फादर पर एकदम से ध्यान आ गया, तो मुझे लगा कि यार ये अच्छा रहेगा अगर मैं डालूं। तो शूटिंग चालू हो गई थी, दोपहर का समय था, तो हम लोग एक कोने में बैठे थे और शूटिंग में थोड़ी दूर के कर रहे थे शेखर कपूर, तो जब मुझे ये थॉट आया तो मैंने कपड़ा मंगवाया, डॉली अहलुवालिया हैं, इसी रेफरेंस में एक और मैं आपको छोटा सा कहानी बताता हूँ तो मैंने उनसे कहा कि एक वो तौलिया ले आओ कोई पतला सा, वो गमछा वगैरह तो रखते ही है गांव के लोग, तो वो ले आई, तो मैंने उसको तय वह करके और सिर पर डाला
और मैंने शीशा मंगाया, शीशा देखा तो मैंने कहा तो अच्छा लग रहा है। और फिर मैंने शेखर जी को आवाज़ लगाई, सर सर आप मुझे देखो। वो शॉर्ट लगा के और बैठे हुए थे, तो मैं कहा आप मुझे देखिए। क्या? उन्होंने बोला क्या? मैं कहा बस आप देखो मुझे। वो पेड़ के नीचे थे हम लोग। फिर मैंने वो गमछा डाला, चश्मा लगाया और अपने फादर की वॉक के साथ में ये चला थोड़ी दूर और फिर वहाँ से आया वा यहाँ। मुझे कैसे दिख रहा हूँ? वो एकदम शौक हो गया कि ये तो कुछ कमाल ही लग रहा है। तो बिल्कुल करेक्ट है, यही रखना है, यही रखना है, मूछ भी नहीं लगानी है। नहीं तो आमतौर पर होता है ना कि एक होता है कि ठाकुर है तो बड़ी बड़ी मूछें होंगी, हमें मूछ लगाने की भी जरूरत नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है, इसको ऐसे रखेंगे। वाह, इस तरह से ये तय हुआ। तो वहाँ एक सिस्टम बना हुआ था कि दो दिन जो भी शूट हो वो शूटिंग की ब्रीफिंग फूलन देवी को जाके करनी पड़ती थी। अच्छा। और फूलन देवी ग्वालियर जेल में थी, पास में ही। ओके। तो जो शूटिंग हुई दो दिन की वो उनको बतानी पड़ती थी और आगे दो दिन क्या शूटिंग होने वाली है ये बताना पड़ता था। तो उनके लिए कोई ना कोई असिस्टेंट जाता था। दूसरे दिन जाने वाला था असिस्टेंट, हम ऐसी उड़ती उड़ती सी आवाज़ आई तो डॉली अहलूवालिया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो उसकी कॉस्ट्यूम कर रही थी उस फिल्म की। तो जब उनको पता लगा तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया शेखर कपूर से कि क्या मैं जा सकती हूँ, मैं उनको ब्रीफ कर दूँगी जो भी आप बताएंगे, दो दिन का शूट और मैं आगे के शूट का भी ब्रीफ कर दूँगी। तो शेखर कपूर ने कहा हाँ अच्छी बात है, ये तो अच्छा है। तो ये डिसाइड हुआ कि डॉली जाएंगी। दूसरे दिन गई वो सब तैयारी करके, मिली उनसे और जब काम पूरा हो गया उन्होंने ब्रीफिंग दे दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, बुरा ना लगे तो क्या आप बता सकते हैं कि आपके साथ क्या क्या हुआ था? अच्छा। पहले तो उन्होंने पॉज लिया, मुझे डॉली ने उसी हिसाब से पूरा बताया क्या क्या। फिर बोला अच्छा, और तकरीबन 40-45 मिनट तक उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई और वो इतनी हृदय विदारक थी, मतलब हर लेवल पर उनको रेप किया गया, हर लेवल पर उनके साथ टॉर्चर हुए हैं, फैमिली को टॉर्चर हुए हैं। तो सब बताए बताते बताते वो डॉली रोने लगी और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो उन्हें डांटा कि रोती क्यों है, अभी तो मैंने जो बताया 50% बताया है और देखी कि, और ये कह के उन्हें फट फट करके ब्लाउज खोले तो सामने गड्ढे थे जो ठाकुरों ने मांस नोचा था उनके ऐसे छाती से। तो सिर्फ रेप ही नहीं किया था उनको, मतलब इस तरह से टॉर्चर करके रेप किया था। ये जो क्रूरता देखी उसने वो एकदम शॉक हो गई कि, और उसी स्टेट में ही उसी दिमागी मानसिक हालत में वो आई और उसने सीधा मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। जब उसने बताया कि वो ठाकुर ऐसे थे तो वहाँ से मैंने सूत्र लिया कि ठाकुरों को ऐसे दिखना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, उनका व्यवहार, उनका बोलना, उनका बॉडी लैंग्वेज अनअपोलोजिटिक एकदम, बिल्कुल एकदम बदतमीज, लात मारने वाला हर समय, मतलब लोग आपसे नफरत करें ही करें, गालियां आपको दें ही दें तभी वो करेक्ट लगेगा। तो वहाँ से फिर मैंने उनका साइकोलॉजी पकड़ी ठाकुरों की। तो आप देखें जहाँ जहाँ भी हम उसके साथ हैं बस ऐसा ही है, उसे पकड़ के दिखाया, हम गाँव को दिखा रहे हैं नॉर्मल, ऐसे सेक्स को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, मार रहे हैं। जैसे होता है ना कि एक शेर होता है ना, कोई हिरण जब परेशान करता है ना, उसका शेर भाग रहा है इधर से उधर, उधर से परेशान जब हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, तब जब पकड़ में आता है तो खाता नहीं हो, ऐसे फेंकता है, पकड़ पकड़ के फेंकता है, इधर फेंकता है, उधर फेंकता है, उधर, उसके बाद फिर जाके उसको खाता है, मारता है। तो जब जो भी रेप वेप मैंने का सीक्वेंसेस किए तो ऐसे ही किए मैं, लात मारी है, मुंह से उल्टी हो गई है और उस तरह से। वैसे आपने कहा कि यू नो आपने वो बना के रख दिया था कि मैं चाहता हूँ कि ये
लोग गाली दे चिल्लाए, फैंस एक्चुअल में आपको जब मिलते थे तो क्या कहते हैं, याद है कुछ ऐसी कोई फनी इंसिडेंट याद है कि किसी ने आपको एक्चुअली कहा है कि मुझे आपसे डर लगने लगा है या फिर कुछ ऐसा? ये सब तो बोलते ही थे। हाँ, इसमें एक मैं आपको रिएक्शन बताता हूँ। जैसे ट्रायल ख़त्म हुआ, हम ट्रायल देख रहे थे, तो शेखर कपूर ने मेरी वाइफ से पूछा कैसी लगी फिल्म, इनका काम कैसा लगा। तो उन्होंने कहा कि मेरा जी किया था कि मैं इनको गोली मार दूँ। इतना ख़तरनाक रिएक्शन उन्होंने दिया सबको देखने के बाद। और ऐसे ही पब्लिक में भी, ऑडिटोरियम में इसी तरह से, इसको क्यों छोड़ दिया, इसको तो मारना ही चाहिए था, इसकी माँ और ये बहन, ऐसा करते हुए लोग निकलते थे थिएटर में से। तो ये मेरी सक्सेस थी ना, उसको कैरेक्टर को जो चाहिए था कि लोग गालियाँ दें। वाओ, ऐसे नेगेटिविटी तो समाज से ख़त्म होनी चाहिए जी। गोविंद जी, सीरियसली व्हाट अ वंडरफुल जर्नी, ये 30 सालों में अलग अलग किरदार, और आई एम सो ग्लैड कि आज हम बैठे हैं आपके ये सक्सेस को सेलिब्रेट करते हुए भी। इतने सारे कमाल कमाल के अवार्ड्स मिले हैं, एंड सबसे ज़्यादा अवार्ड मुझे लगता है वो मिला होगा जो फैंस देते हैं आपको, जब आपको मिलते हैं, आपको सराहते हैं कि बहुत प्यार देते हैं। गोविंद जी, आई बिलीव आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, देर आर अ लॉट ऑफ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। एक तो बप्पी लहरी जी के प्रोडक्शन के थ्रू एक प्रोजेक्ट रहा, कुछ बताएं इसके बारे में। अभी जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मेरे, उनमें एक फिल्म है जैसे माय गॉड हो गया, वो लड़की है कहाँ नाम की एक पिक्चर है, सिद्धार्थ रॉय कपूर की फिल्म है, तापसी पन्नू और प्रतीक गांधी इसमें मेन किरदारों में है। बढ़िया। इसमें मैं एक मसाला किंग का कैरेक्टर कर रहा हूँ। मसाला किंग? अच्छा। बिजनेस फैमिली उसका हेड हूँ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है जी। बहुत ही, ये फिल्म आएगी तो ये भी चलेगी, अब देखिएगा। फिर इसके बाद एक फिल्म है, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसका नाम है गांधी टॉक्स। ओके। ऐसा लगता है ना कि गांधी जी के सिद्धांतों के बारे में, उनके विचारों के बारे में कुछ डिस्कशन होगा। करेक्ट। तो पहली बात तो ये कि ये पूरी 2 घंटे की फिल्म साइलेंट है। ओके। कोई डायलॉग नहीं है। और दूसरे इसमें साउथ के स्टार्स इसमें इन्वॉल्व हैं, विजय सेतुपति हैं इसमें, अरविंद स्वामी हैं, अदिति राव हैदरी हैं, रोहिणी या तंगड़ी वगैरह। okay. ये तीसरे गांधी टॉक से ऐसा लगता है ना कि डिस्कशन होगा गांधी जी के बारे में, लेकिन क्या है कि हर रुपए पर गांधी जी हैं, सो मनी टॉक्स। ओके, वाह 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 वाह, ग्रेट एंगल। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है अपने आप। तो एक फिल्म ये है, उसके बाद फिर एक फिल्म जो खूबसूरत पड़ोसन फिल्म का नाम है, बप्पी लहरी साहब ने इसको प्लान किया था। ओके। वो गुजर गए, उसके बाद फिर अभी उनकी बेटी कर रही है, ऋतु पर्णा सेन, राजपाल यादव, हम लोग इस तरह से हैं। क्या बात है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल योर प्रोजेक्ट्स। आप हमें 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में और बात करूंगा मैं। 2 वेब सीरीज मेरी आने वाली हैं। अच्छा। मैं वेब सीरीज करता नहीं हूं, मतलब पहले मैंने डिसाइड किया था, लेकिन अभी जितने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, सो 2 वेब सीरीज मैं जिनका इंतजार कर रहा हूँ। एक का नाम है रेत। रेत? हाँ, ये रेत माफिया के ऊपर। ओके। फिल्म है, और दूसरी है छोटा यादव। अच्छा। रमेश शोरी और सौरभ शुक्ला इस तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और कमाल की वेब सीरीज है वो। उसमें मैं बिहार का एक बाहुबली बनाऊँ, पूरे बिहार के बैकड्रॉप पर है, और ये बाहुबली भी थोड़ा सा कुछ अलग किस्म का है, थोड़ा रंगीन मिजाज है जी। मतलब रंगीन, मतलब लड़की और वासी के सिलसिले में नहीं, उसको पहनने ओढ़ने का बड़ा शौक है। अच्छा। कभी सूट पहन लेगा, कभी वो हैट लगा लेगा, कभी वो घुड़सवारी के कपड़े पहन लेगा, वो इस तरह से वो है। और एमपी भी रहा है, और वहाँ का किंग है एक एरिया का। अमेजिंग अमेजिंग। गोविंद जी, थैंक यू सो मच, सच्ची में इतना वक्त आपने दिया,
इतनी अच्छी बातें आपने एनएसजी से लेकर आपकी फिल्मों के बारे में, आपके किरदारों के बारे में बताई. इट वाज सो इनसाइटफुल. मुझे लगता है कि ये एक इंस्पिरेशन है और आप हमें इंस्पायर करते रहते हैं, तो थैंक यू. आप डराते रहे, इंस्पायर करते रहे, हंसाते रहे और बढ़िया काम करते रहे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. आई एम सो ग्लैड. थैंक यू गोविंद जी एंड थैंक यू एवरीवन. मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं, ज़रूर आपके फेवरेट गोविंद जी फिल्म्स कौन से हैं, कौन से किरदार आपको पसंद है, वो कमेंट सेक्शन में डालिएगा. क्योंकि मुझे लगता है कि हर किसी का एक अपना फेवरेट है, एक अलग है. जॉनी गद्दार की बात अगर हम करें, विरासत, सरफरोश, द लिस्ट कैन गो ऑन. सो प्लीज़ कॉन्ट्रीब्यूट, वीड लव टू नो. एंड अपना प्यार गोविंद जी को भी दीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू. नमस्कार, मैं फिल्म अभिनेता गोविंद नामदेव और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पर.